आसमा के अम्मी अब्बू ने भेजे देखिए तो जरा कि मेरे नासुक बदन पे कितने जच रहे ना गहने। अरे पर वो सैंडविच कहाँ है जो अजहर पैक करा के लाया था? इससे अच्छा तो मेरा समर कैंप भी था। ये तो पूरा का पूरा पीतल है मैडम, सिर्फ सोने की पॉलिश है। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए। कितने पैसे डॉक्टर साहब? 2 लाख रुपए। आपकी दादी का ऑपरेशन 5 बजे, आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। That's how you play the game. Ek aur khel le. Come on. Restart. Excellent. Zulfi, kill him, kill him. Lovely. Wo ammo collect kar jaldi. Ahil bhai, Zulfi ko aisi games nahi khelni chahiye. Isme kya bura hai Riyan bhai? Game hi to hai. You know what, Zulfi mein? Ye hamare Rehan bhai nahi hai. Ye hamare संत रेहान भाई है। इनफैक्ट द बोरिंग संत रेहान भाई। आहिल भाई, किसी को मरते हुए देखना भी कोई खेल होता है? और अगर किसी की मौत से ही जीत होती है तो ऐसी जीत का क्या फायदा? जुल्फी, रियान भाई ठीक कह रहे हैं, हमें इंसानों की जिंदगी की इज्जत करनी चाहिए। रियान, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। हो रही है आपकी बड़ी अम्मी।
अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आपको हर खुशी दे। आप नहीं जानती आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आपने बिना पैसों के भी मेरी बड़ी अम्मी का ऑपरेशन कर दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक्स आप मुझे नहीं, उन्हें कहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए पैसे दिए। पैसे दिए? आपको नहीं पता, इस ऑपरेशन के लिए तो पैसे दिए जा चुके हैं। किसने दिए? नाम तो याद दिया आ रहा है। हाँ, इन्होंने दिए थे पैसे। ये हो ही नहीं सकता कि इस शैतान ने पैसे दिए। जी, सर्जरी हो गई है। अगर वक्त पे आपने पैसे नहीं भेजे होते तो उनका बच पाना मुश्किल हो जाता। It's okay. लेकिन ये बताओ, हाँ? कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पे तोहफे देने आ रहे? अरे आसमा के अब्बू ने ना ऐसे ही एकदम से कह दिया कि वो रात के खाने पर आ रहे। बस ये भी कह दिया कि घर के सारे लोग मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सबके लिए तोहफे लेकर आ रहे। तोहफे? लेकिन उनका सबसे क्या मतलब था? मतलब कि डिनर पे हमारे साथ आहिल भी होगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचो सोचो। देखो, आहिल तो कभी हमारे साथ खाना खाता ही नहीं। हाँ। जब हमारी रात होती है तब जनाब का दिन परवान चढ़ता है। हाँ। और जब हमारी सुबह होती है तब लाड साहब का सोने का वक्त होता है। अब ये बताओ कि उसको डिनर के लिए मनाया कैसे जाए? अरे उसके छोड़ो ना, वो नहीं आता है तो ना सही, हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। और रहा सवाल तोहफों का, तो वो तो हम उसको दे देंगे ना, भिखारी को। अरे नहीं, अरे उसे जिसे पालते हैं, कुत्ता जी। अरे वो जो माँ बाप का सहारा होता है। बेटा मतलब अजर, अजर। बेटे अजर को दे देंगे। देखिए अगर कपड़े हुए ना तो अजर को दे देंगे, और अगर कुछ और हुआ तो हम रख लेंगे। अल्लाह, मेरा जीरो फिगर तो है ही करीना जैसा, पर ये फेस पिक लगा के मेरा रंग भी कैटरीना और सोनाक्षी जैसा हो जाएगा। मैं तो हूँ ही छुई मुई। अल्लाह, तैयार हो गया मेरा फेस पिक। अरे खाने की लिस्ट तो याद है ना आपको? हाँ, सब याद है, सब याद है। हाँ, लो यहाँ आइए। अरे ओ लतीफ, हाय अल्लाह, मैं गिर गई, मैं तो हुई छोई मुई। या अल्लाह, तेरे खेल भी निराले। जिसे सब कुछ देता है उसे दिल नहीं देता, और जिसे दिल देता है उसे जिंदगी के दर्द झेलने के लिए छोड़ देता है। पता नहीं रेहान जैसा नेक दिल इंसान उस बदतमीज पत्थर दिल इंसान के साथ कैसे काम करता है। अल्लाह उस पर रहम करे।
अल्लाह का शुक्र है कि रेहान सही वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं मैं क्या करती। फिक्र करना छोड़िए, सब कुछ हो चुका है। सब हो चुका मतलब? मतलब डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और आपको कल छुट्टी भी मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है बड़ी अम्मी, खुदा के लिए अपना ध्यान रखिए प्लीज। लेकिन सनम, तूने इतने कम वक्त में इतने पैसे तो नहीं कमाए होंगे कि मुझे इतने बड़े अस्पताल में रख सके। सही कह रही हैं, मैं कहाँ कुछ कर सकती थी। ये सब तो एक फरिश्ते ने किया है बड़ी अम्मी। आप मुझसे कहती थी ना कि अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ता, मुसीबत आने पे उनकी मदद करता है, उनके लिए एक फरिश्ता भेजता है। तब मुझे ये सब बातें सिर्फ कहानियां लगती थी, लेकिन आज मुझे उन सब बातों पर यकीन हो गया। जानती है, अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भी एक फरिश्ते को भेजा था। ये सब उसी ने तो किया है, क्योंकि अपनों की मदद तो कोई भी इंसान कर सकता है। जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करे वो तो फरिश्ता होता है ना। अल्लाह उस फरिश्ते को सलामत रखे। जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं खुद उसके घर जाऊंगी और उसका शुक्रिया अदा करूंगी। ठीक है, वैसे मैं अब जा ही रही हूँ उसे शुक्रिया कहने। आप अपना ध्यान रखिएगा और आराम कीजिए। मुझ जैसी हुस्न की परी का चेहरा बिगाड़ दिया। अरे वो तो ठीक है, जाकर वो बना खाना। हाँ खाना। आसमा की अम्मी अब्बू ना तोहफे लेकर आ रहे सबके लिए, वो तो पढ़ना ही चाहिए ना। हाँ क्यों नहीं, कूड़ा कूड़ा नहीं, अरे वो जो बड़े लोगों का पढ़ता है रौब। हाँ रौब। सबके लिए तोहफे आ रहे हैं। तोहफे मेरे लिए भी? पहले जाकर वो बनाना शुरू कर दे, फिर वो मिलेगा। हाँ हाँ समझ गई। हाय अल्लाह, मुझ गरीब पर किसी को तरस भी नहीं आता। काश सनम यहाँ होती। एक तो इतना काम है इस घर में और मैं तो हूँ छुई मुई सी। हाय अल्लाह। सुनो, अरे इम्प्रेशन तो तब पड़ेगा
जो वहां पर आइल होगा। अरे अच्छा हो कि वो ना हो। क्यों? उसका तोहफा भी हमें ही मिल जाएगा। लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, फोन करके बता दो। हाँ ये सही है। I get this whole thing done. We don't want to do that. हाँ हाँ लो खा लो, tell me. आहिल बेटा, कैसे बेटा? हाँ बेटा ये था कि आज रात को हमारे घर पे आसमा के अम्मी अबू आने वाले हैं। तो बेटा हम सोच रहे थे अगर तुम भी आ जाते तो। हाँ हाँ बेटा वो हम सबके लिए तोहफे लेकर आ रहे हैं। तो बेटा तुम जानते हो ना कि वो हमें तोहफे दें और बदले में हम कुछ भी ना दें, समझ रहे हो ना बेटा? देखिए खालू आप एक काम कीजिए, आपको जो खरीदना है खरीदिए, बिल मुझे दे देना, लेकिन प्लीज ये फैमिली फंक्शन से मुझे दूर रखिए। जी अच्छा बेटा। हाँ अच्छा ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना। आइए 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 आइए। आसमा बेटा बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। बैठिए लतीफ, मेहमान आ गए हैं। सलाम अलैकुम। सलाम। आयल साहब नजर नहीं आ रहे। वो आना तो चाहते थे पर अचानक उनको काम आ गया। हाँ। ओ। वरना वो पूरा दिन खालू खालू करते हुए मेरे आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, उसे उसे वो है ना हमसे। हाँ, चीड़। नहीं, अरे अरे वो जो एक दूसरे के साथ होता है नफरत। नफरत का उल्टा मोहब्बत। हाँ वही। मैं अभी हाजिर हुआ। हेलो, क्या तुम घर के बाहर आ गए हो? देखो अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर आ रहा हूं। आ रहा हूं मैं बाहर, अंदर बिल्कुल मत आना। जी मैं अभी आई। आहिल भाई, जैस्मिन का फोन है। जैस्मिन? वो जैस्मिन वशी कल रात वाली या परसों पार्टी? कल रात वाली। गॉड, व्हाई शी कॉलिंग? आप बात करेंगे? मैं क्यों बात करूंगा, जो बात करनी थी, जो काम करना था, इट्स डन। बात करके क्या फायदा? आहिल भाई जस्ट कट द फोन। पर आहिल भाई मैं ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट कर दूं? डिस्कनेक्ट आइदर टॉक और डिस्कनेक्ट, जस्ट यू नो व्हाट, डिस्कनेक्ट। हेलो, नहीं मैं रिहान बोल रहा हूँ। आहिल भाई एक्चुअली अभी थोड़े बिजी हैं। अरे नहीं नहीं ऑफ कोर्स, वो तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हें नाम भी याद है, वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पसंद करते? आहिल भाई रो रही थी। रो रही थी? व्हाई? दिल टूटा है ना, आंसू तो आएंगे। दिल? यू आर किडिंग मी? पहली डेट पर उसने दिल दे दिया? शी लव्स मी? वुमेन आई स्वेयर, हाउ? आहिल भाई पहली नजर में भी प्यार तो होता ही। फनी, वेरी फनी। अभी आप हंस रहे हो, जब आपको होगा ना तब पता चलेगा। बड़ी मजाक के मूड में हो तुम। हम भांग खाइए। What's so funny? Seriously, what's so funny? मजाक नहीं है आहिल भाई, सच है।
ये प्यार भी जो होता है ना, बड़ा बदतमीज होता है। दिल में आने से पहले कोई दस्तक नहीं देता, और जब आ जाता है तो बेचारे दिल को खबर भी नहीं। You know what, Rehan? मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास दिल ही नहीं है, सिर्फ दिमाग है। Only brains, no love. दिल तो है आहिल भाई, बस धड़कना नहीं आता। I'm sure, खुदा ने जरूर किसी को बनाया जो आपके दिल को धड़कना सिखाए। खुदा दिल से दिल जोड़ता है, दिल से पत्थर नहीं। मेरे सीने में सिर्फ पत्थर है, पत्थर। और मेरे लिए कहीं कोई नहीं बना है। No one.